भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, ये सही? या हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, ये सही? हम अपने कर्म के कर्ता गवर्नर स्वयं हैं। तो यदि ऐसा है तो फिर ये वाक्य क्यों बताया गया कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। एक होता है प्रयोजक कर्ता और एक होता है प्रयोज्य कर्ता। भगवान है प्रयोजक कर्ता और जीव है प्रयोज्य कर्ता। जैसे बिना पानी के बीज अंकुरित नहीं हो सकता, उसको पानी की अपेक्षा है, ऐसे ही इस जीव को भी भगवान के शक्ति की अपेक्षा है। बिना शक्ति के ये जीव कर्म नहीं कर सकता। हाँ, ये बात अलग है कि जीव अधिकांश रूप में कर्म करता है। वो शक्ति मिली भगवान से, जीव ने कर्म किया। और ये जीव कैसे कर्म कर रहा है? अपनी उसकी इच्छा, अपने संस्कार, अपने कर्म, अपना ज्ञान। तो उसकी इच्छा, उसका संस्कार, उसका ज्ञान, उस हिसाब से वो कर्म करता है। इसीलिए जीव को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। भगवान का काम है हमें शक्ति देना। यदि भगवान शक्ति ना दे तो मन, बुद्धि, इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। तो भगवान ने शक्ति दी मन को, भगवान ने शक्ति दी बुद्धि को, आत्मा के रूप में, प्राण के रूप में। तो उस शक्ति को प्राप्त करके मन बुद्धि वर्क करने लगे, इंद्रियां वर्क करने लगी। अब ये जो शक्ति देना है, ये शक्ति देने का काम प्रयोजक कर्ता का है। अब इस शक्ति को प्राप्त करके जीव अपने ज्ञान, अपनी इच्छा, अपने संस्कार से क्या कर्म करेगा, इसके लिए अब यहां से जीव का अपना कर्म प्रारंभ हो गया। यहां से जीव कर्ता हो गया। अब भगवान ने शक्ति दे दी, भगवान उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो भगवान ने शक्ति दी, अब जीव कर्म कर रहा है, मन से सोच रहा है। तो ये भी सोच सकता है कि मेरे चार बंगला हो, दो गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, मैं खूब कमाऊं, ये भी सोच सकता है। तो उसकी शक्ति मिल जाएगी। और यदि ये सोचेगा, अरे मेरा मन प्रभु में लगता क्यों नहीं, कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, हाँ ऐसे लगेगा, तो उसकी शक्ति दे देंगे भगवान। यदि बुद्धि ये निश्चय करती है, अपन तो कुसंग करेंगे, गंदी जगह जाएंगे, तो उसकी शक्ति मिल जाएगी, वो डिसीजन। और यदि बुद्धि ये निश्चय करती है, नहीं नहीं ये संसार मेरा नहीं है, ये तो असार है, यहाँ कर्तव्य करना है, मीरा ने जो डिसीजन लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, तो उसकी शक्ति मिल जाएगी। सीधी सीधी बात, आप क्या चाहेंगे करना, उसकी शक्ति भगवान आपको दे देंगे। बुरी दिशा जाना चाहते हो, उसकी शक्ति। सही दिशा जाना चाहते हो, उसकी शक्ति। तो अब आप समझ गए, इसीलिए हम शक्ति का कैसा प्रयोग करते हैं, व्हाट सो एवर वी सोव इट दैट शैल बी रीप। हम उस शक्ति के प्रयोग को यदि सदुपयोग में लगाते हैं तो वो फल मिलेगा, दुरुपयोग में लगाते हैं तो वो। ये वीडियोस हम आपके द्वारा भेजे गए प्रश्नों के आधार पर बना रहे हैं। आप अपने कमेंट्स और फीडबैक हमें जरूर दें। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक्स पर जरूर क्लिक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।